हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फोर्थ लेक्चर ऑफ ACPM. ओके, दिस इज द रिकॉर्डेड लेक्चर. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द लेक्चर. द नेम ऑफ टॉपिक इज प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल्स. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन जेनेरिक प्रोसेस मॉडल्स. नाउ we will see prescriptive process models. Okay, so we have seen the basic framework activities in generic process models: communication, planning, modeling, construction and deployment. Okay, so each and every activity of these five activities are used in prescriptive process models. There are three basic prescriptive process models: waterfall model, incremental process model and RAD model. So above five activities, these five activities are used in each and every process models. Now we will see the prescriptive process model. Out of these, first is the waterfall model. Why it is named as waterfall model, we will see in this figure. Before this figure, we will see the basics of waterfall model. The waterfall model is also called as linear sequential model or classic life cycle model. Sequential means line by line. Linear sequential means one stage after another stage. Okay, in waterfall model, when each phase is fully completed, then and then next phase is started. Or when next phase is started, they if and if only if the first phase is completed. Means in your framework activities, first activity is communication activity. After communication activity is finished, then planning activities is started. When planning activity is finished, then and then only modeling activity is started. After finishing of modeling activity only, construction activity will start. And when deployment activity will start? After finishing of construction activity. Okay, means when you complete communication completely, okay, then and then you will start for planning. Okay, and when you complete planning completely, then you can start modeling activity. That's why it is called as linear sequential model. Linear means one by one, sequential means also one by one. Okay, so it is called as linear sequential model. ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि पहले प्लानिंग किया, बाद में कम्युनिकेशन किया, कुछ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज रिमेन्ड एंड देन वी आर स्टार्टिंग फॉर प्लानिंग. ऐसा यहाँ पे हो ही नहीं सकता. स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, वन बाय वन इन सीक्वेंस. सीक्वेंस मीन्स कम्युनिकेशन, उसके बाद प्लानिंग, उसके बाद मॉडलिंग. ऐसा नहीं हो सकता कि आप कम्युनिकेशन के बाद मॉडलिंग में जाओ, मॉडलिंग के बाद डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट में जाओ, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो एक प्रॉपर सिक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा. ओके, इन लीनियर फैशन. लीनियर मीन्स वन बाय वन, सिक्वेंशियल मीन्स एक के बाद एक. मतलब एक सिक्वेंस दिया है, कम्युनिकेशन के बाद प्लानिंग, प्लानिंग के बाद मॉडलिंग, ये होना चाहिए. मॉडलिंग के बाद कंस्ट्रक्शन ही होना चाहिए. ओके, मॉडलिंग के बाद डायरेक्टली डिप्लॉयमेंट नहीं आएगा, कम्युनिकेशन के बाद डायरेक्टली मॉडलिंग नहीं आएगा. ओके, सो दिस वाटरफॉल मॉडल इज कॉल्ड एज लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल और क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल. ओके, नेक्स्ट इज दिस मॉडल इज यूज फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स. ये मॉडल कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है? स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है. ओके, फॉर लार्जर प्रोजेक्ट दिस मॉडल इज नॉट बेनिफिशियल. ओके, फीडबैक इज टेकन आफ्टर ईच फेज. इस मॉडल में क्या होता है? आफ्टर ईच फेज फीडबैक इज टेकन. ओके, एंड टेस्टिंग पार्ट स्टार्ट्स ओनली आफ्टर डेवलपमेंट इज कम्प्लीट. ओके, टेस्टिंग कब होगा? आफ्टर कोडिंग. ओके, देखिए कंस्ट्रक्शन में दो पार्ट है, कोडिंग एंड टेस्टिंग. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोडिंग और राइटिंग द प्रोग्राम्स, टेस्टिंग इज डन. ओके, ठीक है. देखिए कम्युनिकेशन में क्या है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग. प्लानिंग में क्या है? कॉस्ट एस्टिमेशन, टाइम एस्टिमेशन, रिसोर्स शेड्यूलिंग, टाइम शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग. मॉडलिंग में क्या है? एनालिसिस एंड डिजाइन. कंस्ट्रक्शन में है कोडिंग टेस्टिंग. डिप्लॉयमेंट में है डिलीवरी सपोर्ट एंड फीडबैक. ओके, सो दिस इज द लिनियर सिक्वेंशियल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल. दिस इज द ओल्डेस्ट मॉडल used in software development process. This is the simplest one also. जितने भी मॉडल इस यूनिट में दिए है उससे उसमें सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है?
वाटरफॉल मॉडल। सबसे ओल्ड मॉडल यूज किया, सबसे ओल्ड मॉडल है ये जो यूज किया गया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में। ओके, दिस मॉडल इज यूज्ड फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, नॉट यूज्ड फॉर लार्जर प्रोजेक्ट्स। ओके, नाउ वी विल सी एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। Advantages are, it is simple and easy to understand, implement and use because it is linear in fashion, linear and sequential. That's why it is very simple to use, simple to understand and implement. Okay, all the requirements are known at the beginning of the project. Hence, it is easy to manage. हमने पहले कहा ये easy है, क्यों easy है? क्योंकि all requirements are known at the beginning of the project. पहले ही आपको requirement पता है. That's why you can manage that project, manage that software very easily using waterfall model. It avoids overlapping of phases. It avoids overlapping of phases because each phase is completed at once. यहाँ पर आप एक phase को complete किए बगैर next phase में जा नहीं सकते, इसलिए overlapping का यहाँ पे होता ही नहीं है। ठीक है, एक phase complete हुआ उसके बाद ही next phase। जब तक first phase complete नहीं होता तब तक second phase को आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, दैट्स व्हाई ओवरलैपिंग इज अवॉइडेड हियर। इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, वी हैव ऑलरेडी सीन। नेक्स्ट इज, इट इज प्रेफर्ड फॉर दोस प्रोजेक्ट्स वेयर क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द कॉस्ट। अगर आपको हाई क्वालिटी चाहिए तो आप इस मॉडल के लिए जा सकते हैं। ओके, और कॉस्ट भी हाई लगेगा आपको। अगर आपको क्वालिटी हाई चाहिए तो कॉस्ट भी हाई लगेगा, क्वालिटी लो चाहिए तो कॉस्ट भी लो लगेगा। ठीक है, फॉर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, टू डिजाइन हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर दिस मॉडल इज प्रेफर्ड। ओके, अल्टीमेटली हाई क्वालिटी है तो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा। ओके, सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल आर, सी हियर, डिसएडवांटेजेस आर नॉट गुड फॉर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। ये मॉडल ओल्ड है, ओल्ड मॉडल कॉम्प्लेक्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स के लिए यूजफुल नहीं है बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज न्यू टेक्नोलॉजी। ओके, एंड वाटरफॉल मॉडल इज ओल्डेस्ट वन, दैट्स व्हाई अब जो नए टाइप के प्रोजेक्ट है वो कॉम्प्लेक्स आते हैं, उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ओल्ड प्रोजेक्ट्स में क्या था, दे वेयर वेरी सिंपलर, दैट्स व्हाई वाटरफॉल मॉडल वॉज बेस्ट फॉर दोस सिंपल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। न्यू प्रोजेक्ट्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, न्यू सॉफ्टवेयर्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स। That's why waterfall model is not used here. Okay, the problems with this model are uncovered until the software testing. Okay, अब यहाँ पे क्या है waterfall model में, one by one है ना, जब तक communication complete नहीं होगा तब तक planning complete नहीं होगा, जब तब तक planning start नहीं होगा, जब तक planning complete नहीं होगा तब तक modeling start नहीं होगा, जब तक modeling complete नहीं होगा तब तक coding start नहीं होगा। Okay, और suppose यहाँ पर कम्युनिकेशन में ही कुछ गलती की गई है, ओके, तो वो कहाँ पर अनकवर होगी, वो कहाँ पर पता चलेगी, टेस्टिंग फेज में। ओके, मतलब मोर देन 75% प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड और टेस्टिंग में आपको पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन में कुछ गलती हुई थी, तो वो गलती कहाँ पे पता चलती है आपको, टेस्टिंग फेज में। टेस्टिंग फेज कब है, कम्युनिकेशन के बाद प्लानिंग, प्लानिंग के बाद मॉडलिंग, मॉडलिंग के बाद कोडिंग, कोडिंग के बाद टेस्टिंग। तो पहले चार फेजेस कंप्लीट हो गए उसके बाद आपको गलतियाँ पता चलती है जो पहले की गई है। ओके, सो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल, क्योंकि ये लिनियर फैशन है। ओके, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में, टेस्टिंग में आपको पता चलेगा कि ऊपर कुछ गलतियां हुई है, तो गलतियों के लिए आपको नीचे तक आना पड़ेगा, फिर वापस ऊपर जाओ, फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट करो, फिर से प्लानिंग स्टार्ट करो, फिर से मॉडलिंग स्टार्ट करो, फिर से डेवलपमेंट करो, कोडिंग करो, फिर से टेस्ट करो, वापस कुछ गलती मिली वापस पीछे जाना है, फिर से आगे आना है, फिर से ऐसा लूप में चलता रहेगा। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल। ओके, द अमाउंट ऑफ रिस्क इज हाई। ओके, सो ड्यू टू दिस कंसेप्ट, ड्यू टू द प्रॉब्लम्स, ये जो भी है टेस्टिंग में पता चलते हैं सारे प्रॉब्लम्स, दैट्स वाई रिस्क इज वेरी हाई। यहाँ पर हम कह नहीं सकते कि कम्युनिकेशन वेरी प्रॉपरली हुआ है, प्लानिंग वेरी प्रॉपरली हुआ है, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज फिटेड ओनली फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स। स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में आप टेस्ट ट्रैक कर सकते हो जल्दी से कि गलती कहाँ पे हुई है। ओके, लेकिन लार्जर प्रोजेक्ट्स, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत डिफिकल्टी है होगी कि टेस्टिंग के बाद आपको सारा आइडेंटिफाई करना है, फिर से बैक ट्रैकिंग करके फिर से नए से स्टार्ट करना है। तो दिस काइंड ऑफ
model is not applicable for large and complex project. It is used for simple projects. This is the biggest disadvantage of waterfall model. Now we'll see next one, incremental process model. To avoid the disadvantages of waterfall model, new model is proposed. That is called as incremental process model. उसका हम पहले डायग्राम देखेंगे. Incremental process model. See here. आपके जो पांच activities है, framework activities, वो क्या है? Communication, planning, modeling, construction and deployment. Okay. अब incremental model में क्या हो रहा है? Increments of software are given. जैसे ही सपोज आपका जो मेन प्रोजेक्ट है, कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम. ओके, तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में जो भी एक्टिविटीज थी, जो भी सब पार्ट थे, कौन से थे? रजिस्ट्रेशन पार्ट, ट्रेन बुकिंग पार्ट, ट्रेन कैंसलेशन पार्ट, पेमेंट पार्ट, वो सारे एक साथ स्टार्ट किए जाते हैं अलग अलग टीम के द्वारा. ओके, सपोज इंक्रीमेंट वन में क्या किया है? रजिस्ट्रेशन पार्ट. इंक्रीमेंट टू में क्या किया है? ट्रेन सर्चिंग पार्ट. इंक्रीमेंट थ्री में क्या किया है? ट्रेन बुकिंग पार्ट. इंक्रीमेंट फोर में क्या किया है? पेमेंट पार्ट. ओके, तो फिर इंक्रीमेंट वन में क्या होगा? रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन पार्ट है, उसके लिए कम्युनिकेशन होगा, उसके लिए प्लानिंग होगा, उसके लिए मॉडलिंग होगा, उसके लिए कंस्ट्रक्शन होगा और उसके लिए डिप्लॉयमेंट होगा. आफ्टर फिनिशिंग ऑफ फर्स्ट इंक्रीमेंट दैट इज डिलीवर टू द कस्टमर. इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल में सॉफ्टवेयर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट्स. थोड़ा थोड़ा पार्ट कस्टमर को दिया जाएगा, जैसे ही वो डेवलप होता है कस्टमर को वो पार्ट दिया जाएगा. मतलब यहाँ पर डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट इज वेरी फास्ट. ओके, एंड गिवन इन इंक्रीमेंट्स. तो यहाँ पर क्या होगा, अगर टेस्टिंग में कुछ गलती मिली है तो वो ट्रैकिंग करने के लिए ईजी हो जाएगा. ठीक है, फिर से पीछे जाओ, थोड़ा ही पार्ट है प्रोजेक्ट का, सब पार्ट है, तो वहाँ पर गलती मिल जाएगी और वो जल्दी से रिपेयर होके सॉफ्टवेयर वो इंक्रीमेंट डिप्लॉय हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इंक्रीमेंट में हमारा क्या था? ट्रेन बुकिंग. ओके, ट्रेन बुकिंग के लिए फिर कम्युनिकेशन करो, ओनली फॉर ट्रेन बुकिंग. तो छोटा ही पार्ट है, जल्दी कम्युनिकेशन हो जाएगा, प्लानिंग भी जल्दी हो जाएगा, मॉडलिंग भी जल्दी हो जाएगा, कोडिंग भी जल्दी हो जाएगा और डिप्लॉयमेंट भी जल्दी. सेम फॉर पेमेंट और ट्रेन कैंसलेशन और एनी इंक्रीमेंट्स, जो भी आपने सॉफ्टवेयर को सब पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो इन इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलर इंक्रीमेंट्स. सॉफ्टवेयर इज डिलीवर टू द कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलर इंक्रीमेंट्स. सी हियर, यहाँ पर देखिए, डिलीवरी ऑफ फर्स्ट इंक्रीमेंट, डिलीवरी ऑफ सेकंड इंक्रीमेंट एंड डिलीवरी ऑफ थर्ड इंक्रीमेंट. लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, ईच एंड एवरी इंक्रीमेंट इज फॉलोइंग वाटरफॉल मॉडल. ओके, मतलब एक इंक्रीमेंट के लिए वाटरफॉल मॉडल यूज किया है, सेकंड इंक्रीमेंट के लिए भी वाटरफॉल मॉडल यूज किया है, थर्ड इंक्रीमेंट के लिए भी वाटरफॉल मॉडल यूज किया है. मतलब इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल में हर इंक्रीमेंट के लिए वाटरफॉल मॉडल ही यूज किया है. बट डिफरेंस क्या है वाटरफॉल मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल में? वाटरफॉल मॉडल में पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक ही साइकिल था, यहाँ पर हर एक इंक्रीमेंट के लिए अलग अलग बार वाटरफॉल मॉडल यूज कर रहे हैं. ओके, फॉर ईच एंड एवरी इंक्रीमेंट सेपरेट टीम इज यूज्ड. देखिए, फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेपरेट पीपल विल वर्क, फॉर ट्रेन बुकिंग फॉर्म सेपरेट टीम विल वर्क. ओके, मीन्स यहाँ पर लोग बहुत सारे चाहिए आपको इंक्रीमेंट्स पे काम करने के लिए. ओके, और डिलीवरी ऑफ इंक्रीमेंट्स इज डन हियर सो दैट कस्टमर कैन ऑल्सो वर्क ऑन दैट सॉफ्टवेयर इन अर्ली फेजेस. जैसे ही इंक्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा कस्टमर को मिलेगा, तो कस्टमर भी हैप्पी हो जाएगा कि हमें जल्दी जल्दी प्रोडक्ट मिल रहा है, जल्दी जल्दी हम उस पर काम कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल. ओके, अब हम उसका डिटेल देखेंगे. देखिए, इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल कंबाइंस द एलिमेंट ऑफ वाटरफॉल मॉडल एंड दे आर अप्लाइड इन इटरेटिव फैशन. इटरेटिव फैशन मीन्स वन बाय वन, एक इंक्रीमेंट, सेकेंड इंक्रीमेंट और हर एक इंक्रीमेंट में वाटरफॉल मॉडल यूज किया. ओके, फर्स्ट इंक्रीमेंट इन दिस मॉडल इज जनरली अ कोर प्रोडक्ट. जो बेसिक थिंग्स है रिक्वायर्ड उस सॉफ्टवेयर में, वो फर्स्ट इंक्रीमेंट में दिया जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर लेते हो, वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर में क्या होता है, बेसिक थिंग्स क्या है उसमें? फाइल ओपन, फाइल क्लोज मेनू. ओके, फाइल ओपन, फाइल क्लोज, टाइपिंग द टेक्स्ट, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है. वो आप फर्स्ट इंक्रीमेंट में दे दो, कोर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट इंक्रीमेंट में आप क्या दे सकते हो? फॉन्ट का कलर दे सकते हो, फॉन्ट के टाइप्स दे सकते हो, पैराग्राफ्स कैसे बनाना है वो दे सकते हो. ओके, उसके नेक्स्ट इंक्रीमेंट में आप क्या दे सकते हो?
उसमें और भी फीचर्स कुछ आपको ऐड करने हैं, जैसे डिजाइन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, वो आप उसमें दे सकते हो। उसके नेक्स्ट इंक्रीमेंट में मोर फीचर्स आप दे सकते हो। मतलब जब आप फर्स्ट इंक्रीमेंट में कोर प्रोडक्ट देते हो डेवलप यूजर को, तो उसका काम वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप एडिशनल फैसिलिटीज नेक्स्ट इंक्रीमेंट्स में डेवलप करते हो, वैसे वैसे आप उस कोर प्रोडक्ट में वो फैसिलिटीज ऐड करते जाते हो। मतलब कस्टमर को भी प्रोडक्ट जल्दी मिल जाएगा, आपका भी काम फटाफट हो जाएगा। और अगर कोई इंक्रीमेंट में कुछ प्रॉब्लम आया तो आपको उतना ही इंक्रीमेंट में देखना है, पूरे प्रोजेक्ट में देखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल। ओके, ठीक है, सी हियर, ईच इंक्रीमेंट बिल्ड्स द प्रोडक्ट एंड सबमिट्स इट टू द कस्टमर फॉर एनी सजेस्टेड मॉडिफिकेशन। हर एक इंक्रीमेंट कस्टमर को दिया जाएगा, उसका फीडबैक लिया जाएगा, अगर ओके है तो फिर कस्टमर उसे यूज कर सकता है। ओके, द नेक्स्ट इंक्रीमेंट इंप्लीमेंट्स ऑन कस्टमर सजेशन एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट्स इन द प्रीवियस कमेंट। नेक्स्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, कस्टमर के सजेशन लिए जाएंगे, अगर कस्टमर के सजेशन है तो उसे मॉडिफाई किया जाएगा, नहीं है तो जैसा इंक्रीमेंट है वैसा ही डेवलप किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल। ओके, नाउ वी विल सी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल। ओके, दिस मॉडल इज फ्लेक्सिबल। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, दिस मॉडल इज फ्लेक्सिबल बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट इज लो एंड इनिशियल प्रोडक्ट डिलीवरी इज फास्टर। हमने पहले ही कहा कि इंक्रीमेंट्स में सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होता है कस्टमर को, फर्स्ट इंक्रीमेंट कंटेंस कोर थिंग्स ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, कोर फीचर्स वो उसको पहले ही मिल जाते हैं। सपोज आपका प्रोजेक्ट एक साल का है, पहला इंक्रीमेंट एक महीने में मिल गया, मतलब कस्टमर को एक साल के लिए वेट करना जरूरी नहीं है जो वाटरफॉल मॉडल में होता था। यहाँ पर कस्टमर को एक महीने में ही कोर प्रोडक्ट मिल जाता है, देन नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसको मिला सेकंड मंथ के एंड में, थर्ड इंक्रीमेंट मिला थर्ड मंथ के एंड में। ओके, तो इस तरह से कस्टमर उसका काम स्टार्ट कर देता है एक महीने में ही। पहले महीने के एंड में ही उसको फर्स्ट इंक्रीमेंट मिल गया, कस्टमर का काम स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलेंगे वो कोर प्रोडक्ट में ऐड होते जाएंगे और कस्टमर उसका काम करता रहेगा। ओके, दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल। इट इज इजियर टू टेस्ट एंड डिबग ड्यूरिंग द स्मॉलर इटरेशन। इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल में छोटे छोटे इंक्रीमेंट में सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, इसलिए टेस्टिंग करना और डिबगिंग करना भी ईजी है। जहाँ पर प्रॉब्लम है वही इंक्रीमेंट देखा जाएगा, बाकी के इंक्रीमेंट्स को नहीं देखा जाएगा। तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड द प्रॉब्लम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम इन इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल। नेक्स्ट क्या है, द वर्किंग सॉफ्टवेयर जनरेट्स क्विकली एंड इज अर्ली ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। हमने पहले ही कहा सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट्स में डिलीवर होता है। सपोज एक साल का प्रोजेक्ट है, पहला इंक्रीमेंट एक महीने में मिल गया, मतलब क्या, वर्किंग सॉफ्टवेयर जनरेट्स क्विकली, जल्दी से सॉफ्टवेयर बन जाता है और डिलीवर हो जाता है। सो दैट कस्टमर इज ऑल्सो हैप्पी, कस्टमर्स कैन रिस्पॉन्ड टू इट्स फंक्शनैलिटीज आफ्टर एवरी इंक्रीमेंट। कस्टमर को एक इंक्रीमेंट मिल गया सपोज, उसमें उसे कुछ नेसेसरी चेंजेस करने हैं तो वो बता देगा डेवलपमेंट टीम को, और वो डेवलपमेंट टीम उसी इंक्रीमेंट में चेंजेस करेंगे, बाकी इंक्रीमेंट में चेंजेस करने की जरूरत नहीं। मतलब कस्टमर को भी पता चलेगा यहाँ पर कुछ चेंज चाहिए या नहीं चाहिए, तो कस्टमर इज ऑल्सो हैप्पी विद दैट एंड डेवलपमेंट टीम इज ऑल्सो हैप्पी विद दैट। ओके, नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, देखिए, द कॉस्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट मे क्रॉस द कॉस्ट Estimated initially. अब इंक्रीमेंट्स में प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है बराबर, तो कस्टमर को इंक्रीमेंट्स मिल रहे, फिर हर एक इंक्रीमेंट को यूज करने के बाद कस्टमर कुछ चेंजेस बताएगा। ओके, तो चेंजेस कस्टमर कभी कभी अननेसेसरी भी बता देता है कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो उससे क्या होता है कि फाइनल कॉस्ट बढ़ जाती है और टाइम भी बढ़ जाता है। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था, कस्टमर को प्रोडक्ट कब मिल रहा है, एकदम लास्ट में। वहां पर कस्टमर को कुछ चीजें समझ में आएगी नहीं आएगी, या फिर कस्टमर लेट गो करेगा, ठीक है जाने दो अभी हो गया वो हो गया, वो वहां पर सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप इन कस्टमर को जितनी बार पूछोगे फीडबैक के लिए, वो उतना बार कुछ ना कुछ नया आपको बताएगा, नया ये चाहिए वो चाहिए। उसमें क्या होता है, अननेसेसरी प्रोजेक्ट का टाइम बढ़ता है और कॉस्ट भी बढ़ता है। ठीक है, सो इट कैन बी ऑल्सो हार्मफुल दैट एवरी टाइम यू आर आस्किंग टू कस्टमर फॉर द सेटिस्फेक्शन। कस्टमर कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। ओके, दैट्स वाई उसे हमेशा चेंजेस चाहिए रहते हैं। तो कभी कभी ये भी हार्मफुल है कि बहुत बार कस्टमर को मत पूछो कि भाई क्या चाहिए क्या चाहिए। ठीक है, वो इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल में हो सकता है कभी कभी। दिस मॉडल रिक्वायर्स अ वेरी क्लियर एंड कम्प्लीट प्लानिंग।
इस मॉडल में इंक्रीमेंट्स होते हैं, हर एक इंक्रीमेंट को अच्छे से हर एक सॉफ्टवेयर को सब पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है और सब पार्ट्स के लिए इंक्रीमेंट डिफाइन करना पड़ता है। एक फंक्शनैलिटी अगर एक इंक्रीमेंट में है, उसका डुप्लीकेशन दूसरे इंक्रीमेंट में नहीं होना चाहिए। पता चला सेम फंक्शनैलिटी दो इंक्रीमेंट में आपने डेवलप कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वेरी क्लियर एंड कंप्लीट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। ओके, प्लानिंग ऑफ द डिजाइन, यहाँ पर देखिए, प्लानिंग ऑफ द डिजाइन इज रिक्वायर्ड बिफोर द होल सिस्टम इज ब्रोकन इंटू स्मॉलर इंक्रीमेंट्स। ओके, तो डिजाइन फेज कहाँ पे आता है हमारा? कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग। मॉडलिंग में डिजाइन आएगा। ओके, सो डिजाइन का भी आपको प्लानिंग करना है। वो कब करना है? बिफोर होल सिस्टम इज ब्रोकन इंटू स्मॉल इंक्रीमेंट्स। इंक्रीमेंट्स ही इस तरह से बनाने हैं कि उसका आपको डिजाइन भी आप अच्छी तरह से कर सकते हो, ठीक है? सो दैट दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल्स। द डिमांड्स ऑफ कस्टमर फॉर द एडिशनल फंक्शनैलिटीज आफ्टर एवरी इंक्रीमेंट कॉजेस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द सिस्टम आर्किटेक्चर। मैंने आपको पहले कहा कि कस्टमर को एक इंक्रीमेंट मिल गया तो कस्टमर उसमें चेंजेस देगा, फिर से आप उसको चेंजेस को करोगे तो उसमें क्या होगा कि ओवरऑल नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट है उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। सपोज फर्स्ट इंक्रीमेंट में जो चेंजेस किया उसका रिफ्लेक्शन सेकंड इंक्रीमेंट में हो सकता है, थर्ड इंक्रीमेंट में हो सकता है, और उसके कारण ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर आपका डिस्टर्ब हो सकता है। ओके, सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ incremental process model, that after each and every increment delivery you are asking to the customer for the feedback or changes. Customer ko technical cheeze kuch nahi pata hai ki ye change dene se kya hoga. Customer ko aap puchoge change hai kya, wo dega, fir se aap increment ko repair karoge, lekin uska reflection second increment pe ho sakta hai, third increment pe ho sakta hai, ya fir first increment mein koi change kiya to second increment mein bhi change karna padega, सेकंड में चेंज हुआ तो थर्ड में भी चेंज हो सकता है। ओके, सो ओवरऑल आपका सिस्टम आर्किटेक्चर डिस्टर्ब हो सकता है अगर आप बार बार कस्टमर को हर एक इंक्रीमेंट डिलीवरी के बाद में फीडबैक के लिए या सजेशन के लिए पूछोगे तो। ओके, दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल। ओके, थर्ड मॉडल इज रैड मॉडल। रैड मीन्स रैपिड एक्शन डेवलपमेंट। लॉन्ग फॉर्म ऑफ रैड इज व्हाट? रैपिड एक्शन डेवलपमेंट मॉडल। ये मॉडल क्यों यूज किया जाता है? अगर शॉर्ट टर्म में, कम समय में आपको प्रोजेक्ट डिलीवरी करना है तो उसके लिए रैड मॉडल यूज किया जाता है। यहाँ पर क्वालिटी का कोई रिलेशन नहीं होता है। ओके, कॉस्ट का भी, कॉस्ट ठीक है, कॉस्ट का एवरेज रिलेशन होता है, लेकिन क्वालिटी का कोई रिलेशन नहीं होता है। इफ कस्टमर वांट प्रोजेक्ट इन वेरी स्मॉल टाइम देन यू हैव टू फॉलो रैड मॉडल। ओके, सो वी विल सी डिटेल्स ऑफ रैड मॉडल। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज डेवलप्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सपोज कोई प्रोजेक्ट है वाटरफॉल मॉडल यूज करके, उसको एक साल लगने वाला है और कस्टमर सेम प्रोजेक्ट एक महीने के अंदर मांग रहा है, देन एंड देन यू हैव टू फॉलो रैड मॉडल। यू कैनॉट यूज वाटरफॉल मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल देयर। अगर एक साल का प्रोजेक्ट एक महीने में डिलीवर करना है तो आपको रैड मॉडल ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट हियर देन अदर रिसोर्सेज। ओके, द इनिशियल एक्टिविटी स्टार्ट्स विद द कम्युनिकेशन बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर। सबसे पहले क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा कस्टमर और डेवलपर के बीच में। प्लानिंग डिपेंड ऑन इनिशियल रिक्वायरमेंट। इनिशियल रिक्वायरमेंट मिल गई, तुरंत प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड द रिक्वायरमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप। तुरंत हो जाता है, जैसे पूरे रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने का काम नहीं है। जो स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट मिला है उसके साथ आगे का पार्ट चालू हो जाएगा। देन अगेन डेवलपर विल आस्क फॉर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट एंड सो ऑन। ओके, इस मॉडल में क्या है? प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट टू वर्क टुगेदर ऑन डिफरेंट मॉड्यूल्स। बहुत सारे मॉड्यूल्स पे एक साथ काम किया जाता है बिकॉज नेम ऑफ द मॉडल इज रैपिड एक्शन। रैपिड एक्शन मीन्स वेरी फास्ट। बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है, बहुत सारी टीम्स है वो काम कर रहे हैं, उसमें सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। दैट्स व्हाई प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। हाउ टू सिंक्रोनाइज विद द टीम, हाउ टू डिलीवर द इंक्रीमेंट्स, ओके, हाउ टू डिलीवर द प्रोजेक्ट। ओके, कम्युनिकेशन के बाद क्या होगा, प्लानिंग के बाद क्या होगा, कौन कौन सा काम करेगा। अगर आपको फास्ट डिलीवरी देनी है तो यू हैव टू यूज दिस थिंग्स। ओके, वी विल सी द डायग्राम ऑफ रैड मॉडल। सी हियर अगेन, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ incremental process model and waterfall model. Okay, so see here,
टर्म वन, टर्म टू, टर्म थ्री. ओके, टर्म वन में क्या है, बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन, टेस्टिंग एंड टर्नओवर. सी ईयर पीरियड देखिए, यहाँ पे डिफाइन किया गया है 60 to 90 days, 2 to 3 महीने में प्रोडक्ट देना है. तो जो भी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स आ गया उसमें ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन एंड टेस्टिंग एंड टर्नओवर. टर्नओवर मींस डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. टेस्टिंग हो गया, कस्टमर को प्रोजेक्ट दे दिया, अगेन टर्म टू, फिर से नेक्स्ट पार्ट एंड टर्म थ्री. सो दिस इज वेरी फास्ट मॉडल. रैपिड एक्शन डेवलपमेंट में यही एक चीज है कि ये बहुत फास्ट होता है. ओके, इफ कस्टमर वांट प्रोजेक्ट इन वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, यू हैव टू फॉलो रैपिड एक्शन डेवलपमेंट मॉडल. एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस मॉडल इज मोर पीपल आर रिक्वायर्ड. ओके, मोर पीपल आर रिक्वायर्ड एंड कॉस्ट इज ऑल्सो मोर. ओके, बिकॉज मोर पीपल आर रिक्वायर्ड, सैलरी नीड्स टू बी गिवन टू मोर पीपल. फास्ट हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड, मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ हार्डवेयर शुड बी बेटर. सो द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. ओके, मेजर कंस्ट्रेंट इज टाइम ईयर. और एक डिसएडवांटेज क्या है कि क्वालिटी इज नॉट गुड ऑफ दिस रैड मॉडल, द सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड यूजिंग रैड मॉडल. बिकॉज रैपिड एक्शन डेवलपमेंट है, कुछ ना कुछ रह जाता है, कस्टमर को भी जल्दी से जल्दी चाहिए होता है. कस्टमर इज नॉट बदरिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, ही जस्ट वॉन्ट द वर्किंग प्रोडक्ट टू बी डेवलप्ड इन वेरी स्मॉल टाइम. ओके, सो वी हैव सीन द prescriptive process models. See here, we have seen 3 prescriptive process models. One is waterfall model, second is incremental model, and third is RAD model. This is enough for this lecture. Now you have to solve the questions which are given in Google Classroom. Okay, click on the assignment or questions or link which is given in the Google Classroom and solve the MCQs related to this lecture. Okay, when you solve MCQs, that is your attendance. Okay, if any student is not solving those MCQs, attendance of that student is not marked for this lecture. Okay.